Hello and welcome to Election Exchange. I'm Parikshit Luthra. The big national story. Polling for general elections 2024 kick-starts in less than 24 hours. Nearly 17 lakh voters across 21 states and union territories will vote for 102 constituencies in the first phase of polling. Which seats will be in focus in western UP BJP's Jitin Prasada from Pilibhit and Union Minister Sanjeev Balian from Muzaffar Nagar will be the prominent candidates. Voting will take place for 8 seats in UP, 5 constituencies in Maharashtra's Vidarbha region will go to uh, vote veteran BJP leader and Union Minister Nitin Gadkari and Congress's Vikas Thakre will face off in Nagpur. All seats in Uttarakhand will vote as well, but a big battle will be witnessed in Tamil Nadu. All 39 seats will see polling Tomorrow. That's right, uh, the first phase of the seven phases of the 18 Lok Sabha elections kicks off tomorrow with 102 constituencies in 21 states and union territories going to polls. Uh, let's now go across to our team of editors who are uh, joining us right now from Rajasthan, Madhya Pradesh, and uh, also UP. That's right, uh, we are uh, joined by our team. by our guest there. let me go across to our editor from Rajasthan could you give us a sense of uh, what's at stake in Rajasthan what are the key issues that uh, will be important for voters there देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो अभी पहले चरण के चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव होने हैं 25 में से ये जो हिस्सा है ये है नॉर्थ और ईस्ट राजस्थान का ये जुड़ा हुआ है पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से और एक सीट है जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है तो इनमें हम आ, जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं उनको देख ही रहे हैं लेकिन अधिकतर जगहों पर जो आ, अगर बात करें कि स्टेक पर क्या है तो सबसे पहले बीजेपी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दो मंत्री जो यहाँ पर रह चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव इन दोनों को यहाँ पर मैदान में उतारा हुआ है और बीजेपी के पास इसमें 12 में से 11 सीट थी और इसमें से एक पर ये अलायंस में थे इन 11 सीट में से नौ इन्होंने बदल दिए हैं नौ नए चेहरे लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा वो सब कुछ बदल देने का रहा होगा इसको देखते हुए हम ये बात करते हैं जो कांग्रेस है कांग्रेस की तरफ से छह एम जो कॉन्टेस्टेंट थे उनको इन्होंने यहाँ पर उतारा है हालांकि उसमें से पांच मिनिस्टर भी रहे हैं और लेकिन जीता हुआ इनमें से सिर्फ एक ही है तो आ, अगर आ, इनकी आ, हम कई जगहों पर घूम करके भी आए हैं हम पूरा स्टेट से जो आ, फील्ड से रिपोर्टर्स हैं और उनसे सबसे हमने फीडबैक भी लिया है तो आ, अगर विपक्ष की बात करें जो आ, विपक्ष में है वो करीबन चार सीटों पर अपने आपको मजबूत मान रहे हैं वो हैं चूरू सीकर नागौर और दौसा इसमें कांग्रेस दो सीटों पर सीकर और नागौर पे अलायंस के साथ लड़ रही है सीकर में इन्होंने अपने जो सीपीआई का कैंडिडेट है उसको अपने अलायंस के तौर पर उतारा है और नागौर में आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसको आ, सपोर्ट किया हुआ है और आ, चूरू में जो इंटरेस्टिंग चीज है चूरू में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो पहले बीजेपी के मौजूदा सांसद हुआ करते थे टिकट कट्टे के बाद ये कांग्रेस में शामिल हुए और आज कांग्रेस के ही उम्मीदवार के सामने यहां पर ताल थोक कर खड़े हुए हैं जिसे विपक्ष ये मान रहा है कि ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है आ, अलायंस की अगर बात करें तो अलायंस में इन्होंने सीकर में इन्होंने अलायंस किया सीपीआई के साथ में कांग्रेस के साथ बड़ी अजीब सी चीज थी ये कि इसमें से जो आठ विधानसभा सीटें हैं उनमें से पांच पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हुए हैं पांच कांग्रेस के एमएलए हैं उसके बावजूद यहां पर इन्होंने अलायंस किया एक्चुअली जब ये चुनावों की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस में इन जगहों पर कुछ अजीब तरह की चीजें देखने को मिली थी आ, ये जो झुंझुनू की सीट है जहां पर पहले मंत्री रह चुके ब्रिजेंद्र ओला उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे तो लड़ने की इच्छा भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पर लड़ाया गया पार्टी की इच्छा है मुझे लड़ना पड़ेगा और एक खास बात और है हमारी जब बीजेपी okay. के संगठन के लोगों से बात होती है तो भले ही कांग्रेस वाले और विपक्ष जो है वो चार सीटों पर में, कंटेस्ट में मान रहे हो लेकिन उनको जो बीजेपी को चिंता है वो सिर्फ इस सीट को झुंझुनू को लेकर के है वो झुंझुनू सीट को ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारा कैंडिडेट जहां ब्रजेंद्रोला पहले मना कर चुके हैं वो कह रहे थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था मैं अनमने ढंग से लड़ रहा हूं लेकिन वो मान रहे हैं कि यहां पर हमको थोड़ी बहुत फाइट मिल सकती है बाकी जगहों पर मैं आपके पास अभी वापस थैंक यू एक ओवरऑल पिक्चर देने की मैं मनमोहन राय के पास जाना चाहता हूं एलेटर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनमोहन मैं आपसे मैं पूछूं आठ सीट्स हैं इस फर्स्ट फेज में बीजेपी ने तीन सीट जीती थी यहां इस बार मुजफ्फरनगर हो एक वी सीट मानी जाती है आपको क्या लगता है इस बार क्या बड़े मुद्दे हैं वेस्टर्न यूपी में ये जो आठ सीटों में चुनाव होने जा रहा है सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे आपके हिसाब से पहली तो नहीं सकते इश्यूज़ आर ऑब्वियसली प्लीजूज इस बार वहां से वरुँँगार नहीं लड़े रहे जिससे लड़े रहे जी यस So, uh, you know, the issues are obviously the national issues dominate this election. Modi's face is the biggest face in this election, and the uh, entire uh, political agenda is uh, revolving around Modi and his name, and the image, and the promises that he has made. Uh, obviously, uh, the UP has a BJP government for the last seven years in the state, and uh, the law and order, the effective law and order situation. The investments that UP is getting, the industrialization that is happening in, across UP, especially in Western UP. So, these are uh, uh, the other local issues on which the elections are being fought good law and order, investments, industrialization, jobs, and the name and image of Narendra Modi, the Prime Minister. Uh, as you said earlier in your introduction, uh, the BJP won three of the eight seats that are going to polls tomorrow but they also managed to win one by poll rampur when it went to, for a by poll after azam khan was disqualified the bjp managed to wrest that seat from sp so they won 8 out four out of 8 seats in this round and obviously it is looking to uh, inch forward and maybe gain five seats this time this was the phase in which the bjp uh, did not do that well in 2019 it did well it, uh, across UP and it managed to win uh, seats across all phases. But the first two phases, this one and the next phase, are the toughest for the BJP where it did not uh, get as many seats as it, as it had targeted. Uh, so, this time round, it is four they have in their hands right now and they are looking to inch forward and maybe rest six seats this time. राइट अमित इफ आई कैन कम बैक टू यू और राजस्थान की अगर हम uh, बात करें आप हमें बता पाएंगे कि जो पहले फेज में जो सीट्स जा रही हैं इलेक्शंस में कितनी सीटों पे बीजेपी ने अपने एमपी को बदल दिया है सिटिंग एमपी बदल दिया है इस बार ये हमने जो अभी सिचुएशन पहले समझी थी वो यही थी कि 12 जो सीट थी उनमें से बीजेपी के पास में उस वक्त ग्यारह सीट थी एक सीट कोलेशन की थी आरएलपी के हनुमान मेनीवाल के जो इस बार अपोजिशन में खड़े हुए हैं अभी जो इन्होंने उतारे हैं उसमें इन्होंने नौ कैंडिडेट बदल दिए हैं इसमें से केवल दो कैंडिडेट अर्जुन मेघवाल और सुमेरानंदन सर, सरस्वती सीक, आ, सीकर से जो हैं ये दोनों इन्होंने जो सिटिंग एम थे वो इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं लेकिन जो मिनिस्टर की बात करें अगर तो भूपेंद्र यादव नया चेहरा है सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको अलवर से इस बार उतारा है और अर्जुन राव मेघवाल बीकानेर से दोबारा मैदान में है भूपेंद्र यादव के सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो ललित यादव अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी लेकिन उसमें ललित यादव कांग्रेस के एमएलए चुन करके आए थे अर्जुन राम मेघवाल उनके सामने गोविंद नाम मेघवाल को बीजेपी कांग्रेस ने उतारा है गोविंद राम मेघवाल अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं लेकिन बीजेपी जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव गया था उसमें वो हार चुके हैं तो कुल मिलाकर यह स्थिति है कि अभी इन्होंने जो अपने पूरे नौ कैंडिडेट जो है बदल दिए हैं no candidate badalti uh, manmohan if i can come to you if we speak about these 8 seats in the first phase how much have the prime minister amit shah some of the top leaders of uh, the bjp concentrated in terms of campaigning in this uh, in these 8 seats so they have put in all their might the bjp the top leadership including the prime minister the home minister Chief Minister Yogi Aditna, they put in all their might as i told you earlier this this phase and the next phase these are the two toughest phases for the bjp the rest six they dominate they dominate wholly it was in these two phases the phase 1 and phase 2 which the bjp did not do that well last time round they still managed to win quite a number of seats as as i just said they have 4 out of 8 right now in the first phase but because they are aiming for 80 out of 80 this time they are aiming for 400 nationally, so every seat counts, and they are uh, they are hoping and aiming to wrest more seats. So the entire leadership, the prime minister did road shows. He, uh, he has done rallies. They started from western UP. Yogi Adnan is doing three rallies every day in UP. Almost three rallies every day. So uh, the home minister has visited uh, the hotspot, Muzaffar Nagar, and other places. So uh, the entire leadership is concentrating.

मेजर कैंपेन पिच क्या रही आ, इंडिया अलायंस की राजस्थान में हमने नागौर का दौरा किया था नागौर में इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं हनुमान बेनीवाल हैं इंटरेस्टिंग चीज यह है हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी के साथ कोलिशन में इन्होंने प्रीपोल अलायंस किया था और तब ये चुनाव लड़े थे और जीते भी थे सांसद थे इन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और विधा, विधायक का चुनाव लड़ा अभी खींवसा से विधायक हैं लेकिन इन्होंने बीच में ही बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था किसान आंदोलन के दौरान जब कृषि कानूनों को लेकर के देश में आंदोलन चला था ये क्योंकि राजस्थान वैसे तो पूरा ही किसानों और खेती पर आधारित है और खेती यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ कास्ट फैक्टर भी है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था तो अभी भी ये इनके जैसे कैंपेनिंग है हम इसमें जाकर के भी आए थे तो इनका जो मुख्य मुद्दा है वो कृषि कानूनों को लेकर के है किसानों को लेकर के है अग्निवीर योजना उसको लेकर के बहुत बड़ा इन्होंने वहां पर जो मुद्दा बनाया हुआ है क्योंकि राजस्थान में ये जो पूरा एरिया है शेखावाटी वाला एरिया है नागौर से लेकर के आप सीकर झुंझुनू चूरू बीकानेर तक जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर नौजवान सेना में भर्ती होने का सपना देखता है उनकी पीढ़ियों से लोग सेना में आ, काम करते रहे हैं और उनके बच्चे भी यही चाहते हैं कि वो आगे जाकर के सेना में भर्ती हों और देश के उसमें काम आए लेकिन ये बार बार जो ये चीज कह रहे हैं अग्निवीर योजना अग्निवीर योजना को ये बहुत नेगेटिव तरीके से वहां पर प्रोपोगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसी वजह से ये जो बीजेपी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में यहां पर ये खड़े हुए हैं हमने इनसे पूछा भी था कि आप पहले सांसद थे फिर विधायक बने अब वापस आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो इस तरह के मुद्दे हैं वो चाहे बिजली का पानी का मुद्दा हो या खेती से रिलेटेड मुद्दा हो या, या अग्निवीर वाला मुद्दा हो इन मुद्दों को संसद में रह के ही उठाया जा सकता है क्योंकि ये विधानसभा में जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है और तो ये एक तो मुद्दा ये दो तीन मुद्दे वहां पर सबसे बड़े हैं बाकी पानी का मुद्दा और बिजली का मुद्दा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है राजस्थान में एक ये जो सीकर है सीकर में सीपीआई right. जो उम्मीदवार कॉमरेड अमरा राम इनको कांग्रेस uh, uh, ने समर्थन दिया हुआ है यहां भी कमोबेश यही चीजें और यही okay. मुद्दे हैं निकाले जा रहे हैं एक चीज और है जो बार बार ये लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं वो ये okay. कि बीजेपी के नेता बार बार सीट समय कम है आई Amit टू लीव you very अमित बट थैंक यू वेरी मच टू यू एंड मनमोहन फॉर perspective ऑन यूपी and Rajasthan it will be an interesting battle in all these constituencies we have to head into a short break but coming up tesla ceo elon musk is set to visit india over the weekend sources tell us the 2 to 3 billion dollars in investment uh, is expected to be announced a discussion when we return